भगवती श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी एवं भगवान सदाशिव को प्रणाम करते हुए आप सभी को नमस्कार। आज हमारे दर्शकों की जिज्ञासा दीपक के विषय में है। पूजा के समय जो हम दीपक जलाते हैं उसके बारे में हमारे बहुत से श्रोता, हमारे बहुत से दर्शक जानना चाहते हैं। अपने ज्ञान एवं सामर्थ्य के अनुसार आपकी इस जिज्ञासा को शांत करने का हमारा प्रयास रहेगा। दीपक किसी भी कर्म का साक्षी होता है। दीपक प्रकाश का, ऊर्जा का प्रतीक होता है। दीपक वह प्रतीक है जो कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाने में प्रेरित करता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में हमारी सहायता करता है। किसी भी मंत्र, स्तोत्र इत्यादि का पाठ करने पर दीपक जलाना हमारे शास्त्रों के अनुसार अत्यंत आवश्यक है। उसका कारण यही है कि हम जिस अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का जो प्रयास कर रहे हैं, हमारे इष्ट देव की प्रार्थना के माध्यम से, किसी मंत्र के जप के माध्यम से, किसी स्तोत्र के पाठ के माध्यम से, उसमें वह दीपक हमें प्रेरणा देता है, हमें लगातार प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है। साथ में ही हमारे शास्त्रों में दीपक के विषय में बहुत से नियम बताए गए हैं। पूजा, मंत्र जप, स्तोत्र पाठ इत्यादि कर्म करते हुए हमें दीपक से संबंधित ये सभी नियम जो कि अति आवश्यक हैं, ये जान लेने चाहिए। दीपक के विषय में बहुत सी साधारण सी बातें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है। सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि जब भी हम कोई भी ऐसा पौष्टिक कर्म करते हैं, मंत्र जप करते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं, तो दीपक अवश्य जलाना चाहिए। हमें सदैव दीपक भगवान की मूर्ति या तस्वीर के दाहिनी ओर राइट साइड में जलाना चाहिए। राइट साइड में जलाए जाने वाला यह दीपक हमेशा गाय के शुद्ध देशी घी का हो तो बहुत अच्छा होता है। कुछ विशेष कर्म ऐसे होते हैं जिनमें तेल का दीपक भी जलाया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ घी का दीपक भी जलाना चाहिए। अर्थात जिन कर्मों में केवल घी का दीपक जलाया जाता है, उन कर्मों में इस घी के दीपक को भगवान के दाहिनी ओर जलाएं, तथा जिन कर्मों में तेल का दीपक भी जलाएं, उस तेल के दीपक को भगवान के बाईं ओर लेफ्ट साइड में रख करके जलाएं। यह दीपक हमारे द्वारा किए जाने वाले किसी भी आध्यात्मिक मंत्र, स्तोत्र पाठ इत्यादि कर्मों का प्रत्यक्ष साक्षी होता है। अर्थात दीपक जलाने के पीछे यह भी उद्देश्य है कि हम इस दीपक की साक्षी में यह कर्म कर रहे हैं, हमारे कर्म का यह दीपक साक्षी रहेगा। दीपक से प्रार्थना भी की जाती है, भो दीप देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी यविघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। अर्थात कर्म करने से पहले जब हम दीपक को जलाते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो दीपक से यह प्रार्थना भी की जाती है कि हे दीप देव, जब तक मैं ये कर्म करूं, ये मंत्र जप करूं, स्तोत्र का पाठ करूं, या जो भी मैं कर्म कर रहा हूं ये करूं, तब तक आप विद्यमान रहिए,
आप इस कर्म के साक्षी के रूप में यहां पर विराजमान रहिए। इसी क्रम में हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि जब तक हमारा मंत्र जप इत्यादि कर्म चलता है तब तक यह दीपक भी चलना चाहिए। मंत्र जप इत्यादि अनुष्ठान के बीच में दीपक का बंद हो जाना बहुत बड़ा अशुभ संकेत है। हमारे शास्त्रों के अनुसार कर्म के बीच में दीपक का बंद हो जाना दीपक की मृत्यु के समान माना गया है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि बहुत से परिवारों में यदि दीपक जल रहा हो और उस समय भोजन किया जा रहा है और भोजन के बीच में भोजन के चलते हुए यदि दीपक बंद हो जाए तो उसी समय भोजन को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उस दीपक की मृतक संज्ञा हो जाती है, उस दीपक की मृत्यु मानी जाती है और उस अशुभ संकेत को देखते हुए भोजन इत्यादि काम छोड़ दिए जाते हैं। इसलिए विशेष ध्यान रहे कि जब भी हम कोई मंत्र जप अनुष्ठान स्तोत्र पाठ इत्यादि कर रहे हैं तो उस कार्य के पूरा होने तक दीपक वहां विराजमान रहना चाहिए, दीपक जलता रहना चाहिए। कुछ कर्मों में तेल के दीपक जलाए जाते हैं। ये तेल के दीपक हमेशा सूती धागे के द्वारा बनी हुई बत्ती से जलाए जाने चाहिए। जो सूती धागा चरखे पर रुई को कात करके रुई को घुमा घुमा करके कात करके जो सूती धागा बनाया जाता है उस सूती धागे से बनी हुई बत्ती से ही तेल का दीपक जलाया जाना चाहिए। घी का दीपक सदैव रुई की फूल बत्ती से बनाया जाना चाहिए। तेल के दीपक के संबंध में कुछ लोग यह भी जानना चाहते हैं कि जो एक बाती को बड़ी सारी बाती बना करके और उसको दीपक में रखते हैं और उसको दोनों ओर से जला देते हैं वह कब किया जाना चाहिए। इस बारे में आप बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए कि आपको चार मुंह का दीपक जलाना हो या कितने भी अधिक मुंह का दीपक जलाना हो, सदैव एक बाती का एक ही मुंह जलाया जाता है। बहुत से लोग होते हैं जो कि चार मुख का दीपक जलाने के लिए एक ही दीपक में चारों ओर दीपक जलाने के लिए एक बड़ी सारी बाती बनाते हैं और उस बाती के दोनों ओर से जला देते हैं। इसी प्रकार से एक बाती इधर लगाते हैं, दोनों तरफ से उसे जला देते हैं, तो दो बाती बना करके ही चारों ओर से जला देते हैं और चौमुखा दीपक वो हो जाता है। लेकिन यह बिल्कुल ठीक नहीं है। सदैव एक बाती का एक ही मुंह जलाना चाहिए। इस प्रकार विभिन्न पौष्टिक कर्मों में घी और तेल के दीपक जलाकर अपने कर्मों को अपने द्वारा किए जाने वाले मंत्र जप अनुष्ठान स्तोत्र पाठ इत्यादि कर्मों को शास्त्रोक्त विधि के द्वारा दीपक की साक्षी में ही करना चाहिए। इस प्रकार यह दीपक हमारे कर्म का अंग है, हमारे कर्म का साक्षी है, एक प्रत्यक्ष साक्षी है और अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। अतः ध्यान रखते हुए किसी भी मंत्र जप अनुष्ठान स्तोत्र पाठ इत्यादि करते हुए सदैव दीपक जला करके ही प्रारंभ करने चाहिए और दीपक तब तक जलता रहे जब तक आपका मंत्र जप स्तोत्र पाठ इत्यादि चलता है। इसके साथ ही यह भी जान लेना चाहिए कि यह दीपक सूर्य तथा चंद्रमा का प्रतीक है। यदि हम कोई भी यह कर्म दिन में कर रहे हैं तो यह दीपक सूर्य का प्रतीक माना जाता है। भगवान सूर्य का प्रतीक मान करके इसकी पूजा करनी चाहिए। और यदि हम कोई कर्म रात को कर रहे हैं और दीपक जला रहे हैं तो इस दीपक को चंद्रमा का स्वरूप मानते हुए, चंद्रमा का प्रतीक मानते हुए इनकी पूजा करनी चाहिए और इनका ध्यान प्रार्थना इत्यादि करनी चाहिए। इस प्रकार से दीपक जला करके हमें अपने द्वारा किए जाने वाले सभी मंत्र जप अनुष्ठान स्तोत्र पाठ इत्यादि का महत्व और
इनका अंग महत्वपूर्ण अंग पूरा करना चाहिए और इस प्रकार हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहिए। आशा है कि दीपक से संबंधित यह जानकारी महत्वपूर्ण बातें आप सभी के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी, आप सभी इनका लाभ लेंगे। ओम स्वस्ति।